नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बिलासपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति साबी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो में साबी और ब्लॉक प्रमुख रविंदर कौर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन द्वारा उन्हें पहले तो अपशब्द बोले गए, उसके बाद बदसलूकी की गई, बाद में धक्के मारकर ब्लॉक से निकाला गया। प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। रामपुर में पड़ोसियों से पीड़ित परिवार के पलायन या आत्महत्या कर लेने की धमकी देने का मुद्दा गरमाने से प्रशासन सक्रिय हो गया है। पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने रविवार को मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार और अन्य लोगों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति के बारे में जाना है और समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ितों की ओर से तहरीर दी गई, इसमें 7 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने नामजद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कौशाम्बी जिले में आज से महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने जिलों को निर्देशन देते हुए कहा है कि 2 महिला पिंक बूथ तैयार करने हैं, जो कि शुरू हो गए हैं, जहां एक बूथ 18 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है, वहीं दूसरा 45 वर्ष से ज्यादा आयु की महिलाओं के लिए है। संयुक्त जिला अस्पताल में दोनों बूथ शुरू किए गए हैं, साथ ही अन्य स्थानों पर भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर अरुण पटेल ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 पिंक बूथ ओपन किए गए हैं, जहाँ महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां रविवार की देर रात रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेलगाम होती जा रही महंगाई का असर लोगों के जीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर लोगों से बात की गई तो लोगों ने बेबाक अपनी राय दी। लोगों का कहना था कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाम लगाए, इसके साथ ही रसोई के बजट को बनाए रखने के लिए रसोई गैस के दामों में भी कमी लाने के लिए कदम उठाए। पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाए, इन पर लगाए गए टैक्स को कम करे, साथ ही लोगों को सहूलियत देने के लिए ठोस कदम उठाए। बाराबंकी में नगर कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके साथ 9 मोटरसाइकिल और 2 फोन बरामद हुए हैं। बाराबंकी, लखनऊ और आसपास के जिलों में मास्टर की लगाकर ये लोग गाड़ियों की चोरी किया करते थे। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले कबाड़ी सहित 3 शरारती चोर गिरफ्तार किए गए हैं, सभी बाराबंकी के रहने वाले। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 9 करोड़ के घोटाले का खुलासा होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि कॉलेज लॉकडाउन में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद उपस्थित तो शून्य दिखाई गई, लेकिन उसमें 9 करोड़ रुपए के खाना सहित दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं का बिल पास हो गया। इसकी जांच बरेली तक पहुंच चुकी है और आंच भी बरेली पर नजर आ रही है। मेरठ में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे चले। घटना के बाद पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के खैरनगर इलाके का यह पूरा मामला। मथुरा के थाना मांच इलाके से जहां के रहने वाले महेंद्र की पत्नी कई दिनों से अपने 7 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई है, जिसकी सूचना महेंद्र ने स्थानीय पुलिस को भी दी, मगर पुलिस की लापरवाही के कारण जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज अपने बच्चों के साथ महेंद्र अपनी पत्नी फूलवती को तलाश करने की गुहार लगाने SSP ऑफिस आया, जहाँ पर उसने अपनी गुहार लगाते हुए अपनी पत्नी को जल्द से जल्द तलाश कर उसे सुपुत्र कराए जाने की मांग की है। हरदोई नहर में उतरता एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बिहानी कोतवाली क्षेत्र की शारदा नहर में शव मिला। नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से लोगों की भीड़ जमा हो गई और शव को देखने के लिए ग्रामीण लगातार जुटते रहे। सूचना पर कोतवाल महेशचंद पुलिस टीम के साथ पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद नहर से अज्ञात का शव निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा कृष्ण विहार कॉलोनी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत जादौन द्वारा पार्टी विस्तार करने के उद्देश्य से रविवार को समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेताओं ने शहर की कृष्ण विहार कॉलोनी में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें महेश गौतम और गोलजी भैया ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियां और नीतियों को गंभीरता से समझते हुए पार्टी ग्रहण की है। मथुरा के थाना बरसाना इलाके स्थित अपने ससुराल में मकान बनाकर रह रहे युवक की उसके ही गांव के दोस्त ने शराब पिलाकर छत से फेंक दिया, यानी कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई और उसके बाद फरार हो गया। परिजनों ने घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरी कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती के कोविड L2 अस्पताल भगहा में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट का निर्माण अंतिम चरण में है। जल्द इस प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। प्लांट का निरीक्षण पूर्वांचल विकास बोर्ड के सलाहकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साकेत मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने कोविड अस्पताल में तैनात चिकित्सकों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्लांट को जल्द चालू करने की हिदायत दी है।
ग्रेटर नोएडा से रिश्तों को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई है। आज ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एक पति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पत्नी के कहने पर उसके प्रेमी ने पति को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया और उसके बाद उसका गला घोट कर हत्या कर दी, फिर शव को जंगल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। हरदोई में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने के लिए महिलाओं को अग्रणी रखने की कवायद के तहत अब जिला महिला चिकित्सालय में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए यहां पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसका शुभारंभ भाजपा विधायक रजनी तिवारी ने किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।